नमस्कार जोहार, मैं सारिका भूषण, रेडियो खांची 90.4 एफएम से, हम सबका रेडियो। मैं एक कवित्री, लेखिका और लघु कथाकार हूँ और इन दिनों अपने श्रोताओं के साथ लघु कथाओं के सफ़र पर चल रही हूँ। और इसी सफ़र को जारी रखते हुए आज मैं अपनी एक नई लघु कथा के साथ आप सभी के समक्ष हूँ। आज मेरी लघु कथा का शीर्षक है अकेलापन। बार बार घड़ी की तरफ नजरें चली जा रही थीं। मन की व्याकुलता अक्सर समय की गति धीमी कर देती है और बेचैनी बढ़ा देती है, चाहे वजह कितनी भी छोटी क्यों न हो। मैं 7 बजने का इंतज़ार कर रही थी। आज सावन की अंतिम सोमवारी थी और मैं उपवास में थी। 7 बजे संध्या आरती करके मुझे फलाहार करना था। सुबह से पूजा पाठ, मंदिर और घर के काम से मैं थक चुकी थी। रिश्तेदारों का आना जाना, उनके लिए चाय नाश्ता और घर के बाकी लोगों और बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल करते करते अब कब बाहर का अंधेरा गहरा जाता यह तो पता ही नहीं चलता था। संध्या आरती मेरे लिए प्रतिदिन की नहीं बल्कि विशिष्ट दिनों की पूजा में शामिल थी, मगर सुबह पूजा करना मेरी दिनचर्या का अनिवार्य अंग था। कुछ वक्त खुद के लिए निकालना और ईश्वर से एक तरह का आत्मीय वार्तालाप करना और सकारात्मक ऊर्जा पाने की चाह, मेरे लिए पूजा के यही मायने थे जिसे मैं किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी। फिर जिंदगी के शिकवे शिकायत भी पूजा के दौरान ही करती थी, क्योंकि घर में उस मूरत के अलावा मुझे सुनने और समझने वाला कोई नहीं था। वैसे भी जब किसी अपने को आपकी परवाह नहीं है तो उसके सम्मुख रोने या गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि आप किसी भी बेजान का सहारा लें या उस मूरत पर अपनी गहरी आस्था और विश्वास बनाए रखें जो आपको भावनात्मक सहारा दे सके, अन्यथा आप खुद की नज़रों में गिरते चले जाएंगे। शाम होने पर तो परिंदे भी थक जाते हैं, सूरज भी 10 घंटों में छिपने की तैयारी में लग जाता है, तो फिर हम नारियां किस मिट्टी की बनी होती है। दुनिया अबला कहती है, पुरुषत्व हम पर किसी न किसी रूप से हावी रखता ही है, क्योंकि ऐसा करना उनको उनका अहम कायम रखने की संतुष्टि देता है। फिर हमारी न तो कोई गणना और न ही कोई कल्पना, बस शायद एक जरिया है कुछ संज्ञाओं को वहन करने के लिए। सुबह 5 बजे से उठने के बाद मेरी भी 12 घंटे बीत चुके थे। तरह तरह का खाना बनाने से लेकर कई काम कर चुकी थी जिसकी कोई गिनती कभी नहीं होती है, मगर यह तो हर दिन की बात है। फिर आज मुझे क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? सर में दोपहर से ही दर्द था, मगर ऐसे छोटे मोटे दर्द तो होते ही रहते हैं। हाँ, जब तक दवा खाने की नौबत नहीं आती तो खुद को भी पता नहीं चलता, मगर मैं अंदर से बहुत कष्ट में थी। बार बार आंखों से आंसू भी छलक जा रहे थे जो किसी को दिखाई नहीं देते या जिसे देखकर भी अपने देखना नहीं चाहते। देखते देखते मेरे बिस्तर पर जाने का वक्त हो गया, मगर मेरी पीड़ा कम नहीं हुई थी। मेरे पतिदेव भी सो चुके थे। मेरी खामोशी का न तो उन्होंने कारण जानना चाहा और न ही कमरे में पेन किलर बाम की महक पर कोई प्रतिक्रिया दी। हाँ, दोपहर में दूर के किसी रिश्तेदार के यहाँ मेरे उपवास के कारण न जाने पर मुझे जरूर प्रतिक्रिया मिली थी। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। छोटी भाभी, साबूदाना का खीर अंदर रख दूँ? आपने क्यों नहीं खाया भाभी? 24 घंटे रहने वाली मेरी आया अपना काम खत्म करने से पहले मुझसे पूछने आई थी। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया।
उसके जाते ही मेरे आंसू बस बहते चले गए। सुबह से घर में किसी ने औपचारिकता वश भी मुझसे नहीं पूछा था कि मैंने कुछ खाया या नहीं, या अपने लिए कुछ बनाया या नहीं। सारे तो अपने थे जिनके लिए दिन रात लगी रहती हूँ, और मैं उनसे सिर्फ एक या दो शब्द खुद के लिए सुनने के लिए तरसती हूँ। हर स्त्री तो बस प्रेम के दो बोल ही चाहती है, क्यों यह पता नहीं। ऊपर से कठोर दिखने वाला एक स्त्री का दिल भी अपनों से कुछ प्यार की नरमी तलाशता है, नतीजा सिर्फ नमी में डूब जाता है। इस भागती दुनिया की भीड़ में हर दिन अकेला होता है, पर सब जानते हुए भी वह तलाशता है दिल को सुकून देने वाले कुछ पल, जो जीवन की कठोरता सहने की ताकत दे सके। और यही वजह है कि हर स्त्री खुद को व्यस्त तो रखती ही है उन्हीं अवैतनिक कार्यों में, जिनकी वजह से गृहिणियों को पराश्रय और निठल्ली की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। मगर प्यार और सहानुभूति के दो शब्द की आशाएं भी रखी जाती हैं, जो अंततोगत्वा अश्रुओं में परिणत हो जाते हैं, और मिलता था भीड़ में अकेलापन। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं अपनी एक नई लघु कथा के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।